फलक केंद्रित घनीय संरचना यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर एफसीसी। पहले बात हमें इतनी समझ लेनी है कि एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर पार्टिकल जो होंगे, कण जो होंगे, वो आठों कोनों पर होंगे और प्रत्येक फलक के केंद्र पर होंगे। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, प्रत्येक फलक के केंद्र पर, ये पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं, और आठों कोनों के ऊपर भी होंगे इस तरीके से। अब देखो इसके अंदर भी वही काम करना है जो पिछले टॉपिकों में पढ़ा है। क्या करेंगे, इस तरीके से जो अणु है इसी के अंदर मैं एडजस्ट कर देता हूं। ये जो बिल्कुल इस फेस का अणु है वो इस तरीके से होगा, पूरा अणु होगा। इस ए पॉइंट को आप मिला दीजिए सी पॉइंट के साथ, यानी इसी फलक का ये वाला पॉइंट, ऐसे ए को सी से मिला दीजिए। ए को सी से मिलाओगे, ये देखिए ये वाला अणु क्या है, आधा अणु है, और ये वाला अणु भी क्या, आधा। अब आधा आधा है तो ऑब्वियस की बात है त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या देखो व्यास हो गया पूरा दो आर, ठीक है, ये क्या हो गया आर, और ये भी क्या हो गया आर, यानी कि ये पूरा चार आर हो गया। इस तरीके से जो ए से लेकर सी तक लाइन है ये चार आर की है। अब देखिए ये होता है स्मॉल ए, ये भी होता है स्मॉल ए, जिसको कहते हो जालक नियतांक, लैटिस कांस्टेंट, जालक नियतांक या लैटिस कांस्टेंट जो आपका होता है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। उसकी वैल्यू जैसे फर्स्ट पॉइंट भी दे सकते हो उसको, कोई पॉइंट किसी को मर्जी दो कोई भी, बस मेन चीज ये चीजें यही यही रहती है। अब देखो जालक नियतांक ए की वैल्यू हमेशा ही दो आर होती है, आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर एक पॉइंट नंबर टू। अब यहां आ जाएंगे, यहां पे आओगे इसी के अंदर कुछ और भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले समझो ये देखिए ए से सी, अब यहां नीचे आ जाओ बी पॉइंट, ये भी है ये भी है। अब पिछला जो पॉइंट, पिछला जो अपने पास पार्ट पड़ा था उसमें भी ये सेम ही बना था, थोड़ा सा उसमें अलग था, अगर ध्यान दिया हो तो। क्या आ जाएगा देखो, आधार स्केयर प्लस लंब स्केयर बराबर चार आर का स्केयर, त्रिभुज ए बी सी से चार आर का होल स्केयर, यह आ गया दो ए स्केयर बराबर सोलह आर स्केयर, दो ए स्केयर बराबर सोलह आर स्केयर आ गया, तो ये कट गया इसे आठ, ए स्केयर बराबर आठ आर स्केयर। आप यहां से ए का मान निकाल सकते हो दो अंडर रूट दो आर, या आर का मान निकाल सकते हो ए बटे दो अंडर रूट दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपके पास ए और आर की वैल्यू आराम से आ जाती है, क्लियर है सबको, ये आ गया। अब क्या क्या पॉइंट निकालते हैं, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में तो कंप्लीट हो गया, रिलेशन बनाना था ए में और आर में, वो आपके पास इजीली रिलेशन जो है वो आ गया। अब क्या निकालना है सेकंड पॉइंट के अंदर, जब आर मिल जाता है तो क्या निकालते हैं, अब कणों की संख्या निकालिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन किसमें बताने हैं कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन यूनिट सेल, एक प्रति, यानी कि अपने बोलेंगे सेकंड पॉइंट में प्रति कोष्टिका कणों की संख्या, प्रति कोष्टिका कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल है। आपको पता है आठ पार्टिकल, ये पहले भी लेक्चर में बताया है, एक का हिस्सा एक बटे आठ, छह पार्टिकल, एक का हिस्सा कितना बेटा एक बटा दो, तो ये कितने हो गए, एक प्लस तीन बराबर चार पार्टिकल हो गए, यानी किसमें कितने पार्टिकल होते हैं, चार पार्टिकल होते हैं। ये हो गया दूसरा पॉइंट। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कणों की संख्या पता है, जो कणों का आयतन निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सेल्स, सॉरी वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। तो सीधी सी बात है, कणों का आयतन, एक कण होता है गोलाकार, और एक गोले का आयतन कितना होता है, कण है चार, एक का होता है चार बटे तीन पाई आर की पावर तीन, ये हो गया सोलह बटे तीन पाई आर की पावर तीन, आर का रख दीजिए मान दो से, आर का मान रख दीजिए ए बटे दो अंडर रूट दो की पावर तीन, समीकरण दो से। यहां से आपके पास वीएम आ जाएगा, और कितना आ जाएगा सोलह, इसको सॉल्व करोगे दो दूनी चार दूनी आठ, ये कट जाएगा दो बचेगा, दो बटे दो अंडर रूट दो, तो तीन अंडर रूट दो, अंडर रूट दो का क्यूब करोगे दो अंडर रूट दो, तो दो दूनी चार दूनी आठ में सोलह कट गया, अंडर रूट दो ही बचा, तीन साथ में पड़ा है पाई ए की पावर तीन,
ये आपके पास वॉल्यूम आ गया इक्वेशन नंबर तीन। अब किसका वॉल्यूम निकालते हैं चौथे पॉइंट में, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होता है, एकक कोष्ठिका का आयतन होता है बी बराबर ए की पावर तीन। कितनी बार कह दिया, ए की पावर तीन कर देते हैं भाई, सीधी सी बात है, ए की पावर तीन करोगे यहां से ए की वैल्यू रख दो फ्रॉम टू, इन दोनों को समीकरण दो दे सकते हो तो किसी का भी यूज कर लो, ए की पावर तीन करो दो अंडर रूट दो आर की पावर तीन, यानी कि दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह, सोलह अंडर रूट दो आर की पावर तीन। अब देखो इक्वेशन नंबर फोर एंड थ्री दोनों का अगर भाग देंगे तो क्या मिलेगा, पैकिंग फ्रैक्शन मिलेगा। पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन बहुत बार लिख चुके हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, मुझे पता है वीएम बाई वी होता है, वीएम की वैल्यू ये रही एक बटा तीन अंडर रूट दो, कणों का आयतन ऊपर नीचे कोष्ठिका का आयतन है ना, ऊपर वॉल्यूम किसका होता है पार्टिकल्स का, नीचे सेल का वॉल्यूम, तीन एक बटे तीन अंडर रूट दो पाई ए की पावर तीन क्यों रखे इसको, या तो चलो अगर आप पाई ए की पावर तीन रखते हो तो इसको ए की पावर तीन रख दो, और अगर इसको आर में रखते हो तो इसको आर में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आप चाहते हो उसमें रख दो। अब यहां क्या आएगा, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, पैकिंग फ्रैक्शन इसका जो आंसर आएगा वो अपने यहां पे क्या करेंगे लिख देंगे, इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है वो आता है 0.74 यानी कि 74%। बहुत अच्छा पैकिंग फ्रैक्शन होता है ये पैकिंग फ्रैक्शन बहुत अच्छा होता है, और ये स्ट्रक्चर किसमें पाई जाती है, कॉपर एल्यूमिनियम एजी और एयू के अंदर ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, और इतने टॉप पॉइंट हमें पढ़ते हैं। एक पॉइंट इसमें और रह गया, समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर, कि इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, तो समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं, समन्वय संख्या कितनी होती है उसकी चर्चा करनी रह गई, अभी देखो करते हैं। इसके अंदर समन्वय संख्या होती है 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन का नंबर का मतलब क्या होता है कि एक जो मेरे पास मॉलिक्यूल है वो कितने मॉलिक्यूल से घिरा है, वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल कितनों से घिरा है, अब इस मॉलिक्यूल पे ध्यान दो। अब देखो ये जो रेड वाले मैंने फेस बनाया ना, चलो एबीसीडी नाम दे दो, ये जो एबीसीडी मैंने फेस बनाया है ये फेस के सेंटर पर है पार्टिकल, जो ब्लैक वाला इस फेस के सेंटर पर है, जैसे आप मान लो कि ये मेरे पास फेस है, ठीक है, इस फेस की क्या है इस तरीके से, ये वाला फेस है एबीसीडी, इसके सेंटर पर है पार्टिकल यहां पर, तो चार पार्टिकल ये टच करेंगे, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, ये चार को इसको टच करेंगे करेंगे, ये वाले चार, तो ये चार को टच करेंगे करेंगे, ये बीच में ऐसे है ये, तो इसको ये ऐसे टच करेगा, इसको ये ऐसे टच करेगा, ये ऐसे टच करेगा, ये ऐसे चार को टच करेंगे करेंगे, चार तो ये हो गए, चार तो ये पक्के हो गए, प्लस आगे देखते हैं। अब ध्यान दो इसके ठीक नीचे जो पार्टिकल, यहां पर भी एक कण होगा इस फलक के केंद्र पर, फिर इस फलक के केंद्र पर भी एक कण होगा, और इस फलक के केंद्र पर भी कण होगा, और इस फलक के केंद्र पर भी कण होगा, होंगे भी, और एक आगे वाले फलक के केंद्र पर भी कण है, ये तो सब ही होते हैं, सभी फेसेस के सेंटर पर पार्टिकल इतने तो है, नीचे वाले के दोनों साइड वाले के, आगे वाले के पीछे वाले के ऊपर वाले, छह ही फलक होते हैं, छह के छह पे कण है। अब सोच के देखो ये जो पार्टिकल है अपना, ये जो पार्टिकल अपना जो यहां पर है, उसको जो ऊपर छत बढ़ेगी ऐसे बढ़ेगी, उसके ऊपर बीच में पार्टिकल है, वो पार्टिकल ऐसे और बड़ा, वो पार्टिकल और ये ऐसे दोनों टच करेंगे बीच में आते हैं, दोनों टच करेंगे, ये जो छत वाला पार्टिकल है ये ऐसे आएगा नीचे, छत वाला पार्टिकल जब नीचे की ओर आएगा, यानी कि अगर आप समझो इसको इस तरीके से, ये छत वाला जो पार्टिकल है ये वाला बीच वाला जो इसके बीच में होगा बिल्कुल, वो पार्टिकल ऐसे और ये पार्टिकल ऐसे टच करेंगे करेंगे, ऐसे ही एक नीचे है उसका पार्टिकल ऐसे वो भी इसको टच करेगा, फिर एक इधर साइड वाला ऐसे बढ़ेगा, साइड वाला वो भी टच करेगा, इधर वाला भी करेगा, ठीक है, और सामने वाला भी करेगा, क्योंकि सामने वाला क्या करेगा, सामने वाला पार्टिकल बनेगा ऐसे, ठीक है, सामने वाला पार्टिकल ऐसे है तो आमने सामने वाले भी टच करेंगे, यानी कि इसके बिल्कुल सामने वाला जो पार्टिकल है ये वाला, देखो ये वाला,
ये इस फलक के केंद्र पर है और ये आगे वाले फलक के केंद्र पर है, तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल तो टच करेंगे ही करेंगे। कितने ये कितने और हो गए, पांच और हो गए, छह होते हैं फलकों के केंद्र पर है ना, तो ये क्या हो गए पांच अपने पास और हो गए, समझ आने का। इसी तरीके से उधर वाली साइड जो पार्टिकल है उतने ही उधर वाली साइड टच करेंगे। अब क्या उतने उधर वाली साइड करेंगे, उधर वाली साइड क्या करेंगे, ये वाला टच करेगा, ये वाला टच करेगा, ये वाला टच करेगा, ठीक है, तीन टच करेंगे, एक ऊपर वाला करेगा क्या, तीन पार्टिकल टच करेंगे, कितने होंगे, नौ और तीन बारह। इस तरीके से कितने पार्टिकल टच करेंगे, बारह टच पार्टिकल इसको टच करेंगे, ठीक है, ये बारह समन्वय संख्या हो गई।